हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट ओव्यूल के अंदर कैसे होता है। इन दिस पार्ट वी विल सी हाउ द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस शोन इन अ डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, जिसको मैंने अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी और एच से दिखाया है। सो फर्स्ट, इन अ डबल फर्टिलाइजेशन एक मेल गैमेट ने दूसरे एग सेल को फर्टिलाइज किया था और वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। जो ये जाइगोट है, इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। और जो पहला डिवीजन होता है वो अनइक्वल डिवीजन होता है और ट्रांसवर्सल डिवीजन होता है। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है हॉरिजेंटल, लाइक दिस, जिसमें दो लेयर्स बन जाए, ये वाला डिवीजन। तो बाय ट्रांसवर्सल डिवीजन टू अनइक्वल साइज की सेल्स बन जाती है, यानी कि डिवीजन कैसा होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। और अनइक्वल डिवीजन से दो सेल्स बन जाती है, एक छोटी टर्मिनल सेल, या इसको एपिकल सेल भी कहते हैं, या इसको एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसी से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना होता है। द सेकेंड लार्जर सेल इज कॉल्ड एज बेसल सेल। अब यहाँ पे किसको टर्मिनल सेल कहेंगे, किसको बेसल सेल कहेंगे? अगर ये ओव्यूल है, जैसा कि आपने देखा था, और ये जो है वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, तो इसमें ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलरेंट है, इसलिए मैंने जाइगोट के भी ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलरेंट कहा है और नीचे की तरफ चैलेंजर एंड को रिप्रेजेंट किया है। दैट कैन बी इन्वर्टेड आल्सो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ओव्यूल। जैसा ओव्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम जाइगोट का ओरिएंटेशन रख सकते हैं। इतना याद रखना है कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बेसल सेल होगी और चैलेंजर एंड की तरफ टर्मिनल सेल होगी। देखिए, इसको याद रखना बहुत आसान है। जो एंडोस्पर्म है वो बीच में रहता है, आपको याद है पोलर न्यूक्लियाई जो है वो, अगर ये है तो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई मिलके एंडोस्पर्म बनाया था और यहाँ पे कहीं जाइगोट बना था। अब डेवलपमेंट के लिए इस जाइगोट को एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन चाहिए, तो जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी चैलेंजर रीजन की तरफ होगा, वाइल इधर माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। तो चैलेंजर एंड की तरफ वो सेल होगी जिससे कि एम्ब्रियो बनेगा, दैट मीन्स टर्मिनल सेल और एपिकल सेल। तो चैलेंजर एंड की तरफ टर्मिनल सेल और एपिकल सेल होगी, जो छोटी भी होती है, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बेसल सेल होगी। ये टू सेल स्टेज कहलाती है। नाउ अब इन दोनों सेल में फर्दर डिवीजन होगा जो साथ साथ होता है, लेकिन टाइप ऑफ डिवीजन डिफरेंट होते हैं। पहले हम बात करेंगे बेसल सेल की। तो जो बेसल सेल यानी कि जो माइक्रोपाइलर एंड की सेल है, उसमें जो दूसरा डिवीजन होता है दैट इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल, यानी ये भी कैसा डिवीजन होता है, हॉरिजेंटल डिवीजन होता है और लेयर्स बनती है। देखिए, एक सेल से दो सेल बन गई है, ये दोनों सेल बेसल सेल के टाइप है। लेकिन जो टर्मिनल सेल, एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल है, इसमें जो डिवीजन होता है वो पहला डिवीजन वर्टिकल डिवीजन होता है और एक सेल से दो सेल बन जाती है। एक ही लेयर, लेयर नहीं बढ़ा है बल्कि मोटाई बढ़ी है लेयर की, तो एक से दो सेल्स बन जाती है। And this stage is called as T cell stage. Now ये है C structure. Now come to D structure. D structure में ये जो basal cell जिनमें की transversal division हुआ है, ये further divide करके 6 to 10 cells बनाती हैं और ये जो structure बनाते हैं उसको कहते हैं suspensor. और इस division के through जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक सेल हो जाती होती है, वो एनलार्ज हो जाती है, फूल जाती है और उसको कहते हैं हॉस्टोरियम। ये न्यूट्रिशन लेने का या सकिंग का काम करती है। ये एकदम माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी। नाउ कम टू दिस एपिकल सेल की तरफ की बात करते हैं, या टर्मिनल या एम्ब्रियोनल सेल की बात करते हैं।
तो इसमें जो दूसरा डिवीजन होता है दैट इज ऑल्सो वर्टिकल. तो यहाँ चार सेल्स जो है वो बन जाती है. इस स्टेज को कहते हैं क्वाड्रेंट स्टेज. तो अभी तक एम्ब्रियो में जो है वो चार सेल यानी फोर सेल स्टेज बनी, वाइल ये जो स्ट्रक्चर है जो बेसल सेल से स्ट्रक्चर बना है उसमें सस्पेंसर सेल बनी है और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सेल है उसको कहते हैं हॉस्टोरियम. एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो एम्ब्रियो के जस्ट पहले की सेल है दिस सेल, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एम्ब्रियो और इसको कहते हैं हाइपोफाइसिस. कैसे इंपॉर्टेंट है आई विल टेल यू लेटर, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो पहली सेल है किधर की तरफ, चलेजल एंड की तरफ, या ये कह लीजिए कि एम्ब्रियो की जो जो एपिकल सेल से जो सेल्स बन रही है उनकी जस्ट पहले की जो सस्पेंसर वाली साइड की सेल्स है वो जो है उसको कहते हैं हाइपोफाइसिस. नाउ अब फर्दर डिवीजन होता है, तो ये बेसल सेल में तो डिवीजन नहीं होता है बट ये जो वर्टिकल सेल सॉरी जो एपिकल सेल्स होती है ये नेक्स्ट थर्ड डिवीजन करती हैं और ये जो होता है थर्ड डिवीजन दैट इज हॉरिजॉन्टल. अब देखिए एक दो चार सेल बनी हुई थी और अब जो डिवीजन हुआ वो हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ इस तरीके का. अब इस हॉरिजॉन्टल डिवीजन से एक दो तीन चार चार सेल जो है वो सस्पेंसर की तरफ की बन गई और चार सेल नीचे की तरफ बन गई, यानी ये दो लेयर बना ली सेल्स की, इधर वाले को इनर लेयर और इधर वाले को आउटर लेयर कहा गया. ये जो हाइपोफाइसिस सेल है यानी जो ये एम्ब्रियो के जस्ट पहले की सेल है ये एम्ब्रियो का रूट कैप बनाती है. आपको याद होगा रूट के ऊपर जो कवर होती है उसको रूट कैप कहते हैं, उसको बनाती है. इस स्टेज को जो है ऑक्टेंट स्टेज या प्रो एम्ब्रियो स्टेज कहते हैं. इट्स अ इम्पॉर्टेंट स्टेज, इसका नाम याद रखिएगा प्रो एम्ब्रियो स्टेज कहते हैं. तो प्रो एम्ब्रियो स्टेज में एम्ब्रियो में कितनी सेल्स हैं, 8 सेल्स हैं. उससे पहले क्या है, हाइपोफाइसिस है जो फ्यूचर का क्या बनाएगा, रूट कैप बनाएगा. उसके ऊपर ये क्या है, सस्पेंसर है. अब सस्पेंसर का काम क्या होता है दैट आई हैव टू टेल यू. तो देखिए जैसा मैंने बताया कि एंडोस्पर्म यहां है और जाइगोट या एम्ब्रियो यहां बन रहा है और न्यूट्रिशन के लिए एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेना है. तो होता क्या है, द रेड कलर ना, ये है सस्पेंसर. तो ये सस्पेंसर जो है ये जब बढ़ती जाती है तो ये एम्ब्रियो को, दिस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ धकेलती है जिससे कि वो इजिली एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले पाए. तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ सस्पेंसर. नेक्स्ट स्टेज दैट इज एफ स्टेज. इसमें क्या होता है, इसमें जो ये अब ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया है, वैसे ही रहता है, जो डिवीजन हो रहा है दैट इज इन अ एम्ब्रियो. ये प्रो एम्ब्रियो जो स्टेज थी, ये प्रो एम्ब्रियो यानी 8 सेल स्टेज, इसमें फर्दर डिवीजन्स होते हैं और दो लेयर बन जाते हैं, द इनर वन और आउटर वन. नाउ ये इनर और आउटर लेयर जो है डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ऑफ एम्ब्रियो और वो याद रखना एकदम भी टफ नहीं है. आई एम गिविंग यू ट्रिक. देखिए ये जो सेल है ये है हाइपोफाइसिस. आपको पता है हाइपोफाइसिस क्या बना के दे रही है, ये बना रही है आपका रूट कैप. तो अगर रूट कैप यहाँ है तो इसके पास वाली सेल रूट से रिलेटेड ही चीजें बनाएंगी और ये रूट से रिलेटेड चीजों में क्या आता है, रेडिकल आता है और यानी कि रूट टिप आता है. रेडिकल मतलब रूट टिप और हाइपोकोटाइल. हाइपोकोटाइल अभी मैं बताती हूँ आपको कि हाइपोकोटाइल किसे कहते हैं. तो लेकिन ये स्ट्रक्चर रिलेटेड है रूट से. तो रेडिकल और हाइपोकोटाइल ये इनर लेयर बनाती है यानी वो लेयर जो कि हाइपोफाइसिस से क्लोज प्रॉक्सिमेशन में है.
While the distant या outer layer की जो cells होती हैं, ये art cells, ये stem से related चीजें बनाती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है cotyledons बनाती हैं, दूसरा आता है plumule बनाती हैं और epicotyl बनाती हैं। तो ये जो स्टेज है एम्ब्रियो की, जिसमें कि 16 सेल स्टेज को कहते हैं, 8 सेल एम्ब्रियो में फर्दर डिवीजन होते हैं और वो 16 सेल एम्ब्रियो बना लेते हैं, जिसको ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं। ये ग्लोब्यूल लाइक हो जाता है, इसलिए ग्लोबुलर कहते हैं। नाउ फॉर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, आपने ये डाइकॉट का स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसा होता है। ये दोनों कॉटलेटन्स हैं, ये अगर स्टेम है, स्टेम का एंड है, तो ये होगा आपका प्लूम्यूल, जिससे कि स्टेम निकल के आएगा। ये होगा रेडिकल, ये वाला एंड रेडिकल, और इस पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब प्लूम्यूल से लेके और रेडिकल तक के स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब यहां एम्ब्रियोनल एक्सिस पे एक पॉइंट है जिससे कॉटिलेडन जुड़े हुए हैं। इस पॉइंट से प्लूम्यूल तक के स्टेज, यहां को इसको कहते हैं एपिकोटाइल। ये स्टेम से रिलेटेड है, प्लूम्यूल से रिलेटेड है, जबकि इससे नीचे रेडिकल तक के स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइपोकोटाइल। सो ये स्ट्रक्चर है, तो इसी को मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया है। इसके बाद ये जो प्लूम्यूल होता है, और यानी कि जो आउटर लेयर होती है, उसमें कॉटिलेडन्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, वो बढ़ने लगते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर जो है इस एम्ब्रियो को एक हार्ट शेप जैसा दिखा देता है, और इसलिए इस स्टेज को कहते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो स्टेज। अब यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो हर डायरेक्शन में डिवीजन करती हैं और 3 लेयर्स बना देती हैं सेल्स की। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज डर्मेटोजेन, जो जनरली एपिडर्मिस बनाता है। द मिडिल लेयर इज कॉल्ड एज पेरीब्लेम, और ये पेरीब्लेम जो है वो कॉर्टेक्स और ये एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन करता है, यानी ये है कॉर्टेक्स प्लस एंडोडर्मिस, ये है एपिडर्मिस। और वाइल प्लीरोम जो है ये आपका बनाता है वैस्कुलर टिश्यूज। तो 3 लेयर का फॉर्मेशन हर्ट शेप स्ट्रक्चर में हो जाता है। उसके अलावा ये जो है वो रूट कैप का फॉर्मेशन करने लगती है, और ये जो है हॉस्टेलिया, हॉस्टोरियल सेल यानी हॉस्टोरियम एज सच रहता है। दिस स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाई जी, और उसको हर्ट शेप्ड स्ट्रक्चर और एम्ब्रियो कहते हैं। नाउ आफ्टर दिस ये मैच्योर कंडीशन में आ जाता है, यानी कि कॉटिलेडन्स फुली डेवलप्ड हो जाते हैं, और ये इसको अगर मैं, चूंकि ये तो एम्ब्रियो है जो कि कहां है, ये ओव्यूल के अंदर है, तो अगर मैं इसकी पोजीशन ओव्यूल के अंदर दिखाऊं जबकि ये थोड़ा और डेवलपमेंट यानी फुली डेवलप्ड हो गया है, तो ये हॉस्टोरियम सेल्स है, ये सस्पेंशन है जो एम्ब्रियो को अंदर की तरफ यानी कि चार्लेजल एंड की तरफ ढकेलती है। ये एम्ब्रियो है, डेवलप्ड एम्ब्रियो है, जहां ये पोर्शन जो है वो रूट कैप है, जिसको जो है वो हाइपोफाइसिस ने बनाया है। रूट कैप के जस्ट नीचे जो रूट टिप है उसको रेडिकल कहते हैं, वाइल ये जो कॉटिलेडन जहां से निकल रहे हैं वहां से और रूट टिप के बीच के स्ट्रक्चर को हाइपोकोटाइल कहा गया है। यहां जो स्टेम का एंड है यानी स्टेम का टिप है उसको प्लूम्यूल कहा गया है। कॉटिलेडन जहां से अटैच्ड हुए हैं वहां से और ये कॉटिलेडन्स के लेंथ तक की दूरी को इसको एपिकोटाइल कहा गया है। सो दैट इज अ मैच्योर एम्ब्रियो। इन केस ऑफ कैप्सुला, जहां पे ये जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस ना होके कर्व्ड होता है, इसलिए वह उसका एम्ब्रियो भी कर्व्ड हो जाता है, और उस केस में मैच्योर एम्ब्रियो को एक दूसरा भी नाम देते हैं, दैट इज टॉर्पेडो। So that is a special case in case of capsula. In all cases, it is called as mature embryo. One thing you have to remember,
कि ऑर्डर क्या है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का। तो यहां से इंपॉर्टेंट होता है ऑक्टेंट स्टेज को प्रो एम्ब्रियो स्टेज कहते हैं। उसके बाद जो 16 सेल स्टेज आती है इसको ग्लोबुलर कहते हैं। उसके बाद हर्ट शेप्ड आता है एंड एट लास्ट मैच्योर एम्ब्रियो स्टेज आती है। सो थैंक यू सो मच।